हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार खतरे में पड़ गई है। किसानों ने जेजेपी को खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब दुविधा ये है कि दुष्यंत चौटाला को न कुर्सी छोड़ते बन रही है न कुर्सी पर बैठते। हरियाणा में दो नाव पर दुष्यंत की बागडोर। किसान इस देश का असली वारिस का मालिक है। ये देश किसान का देश है। दिल दिखा करके सारी बात उनकी मान लेनी चाहिए। किसानों से सहानुभूति, सरकार से भी प्यार। हरियाणा की सरकार मजबूत है, उस 5 साल के लिए सरकार चलेगी। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल मजबूत है। किसान आंदोलन पर किसके साथ जेजेपी? हम किसानों का समर्थन पहले दिन से करते हैं। इसमें 8 तारीख का या 9 तारीख का या 7 तारीख की बात ही नहीं। किसानों की जो भावना है हम उनके साथ हैं। ये है दिग्विजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई। जब से हरियाणा के किसान केंद्र में कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं, तब से दिग्विजय बेहद सक्रिय हैं। दिग्विजय हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी दिखे, लेकिन जब इनसे सरकार में बने रहने पर सवाल पूछा गया तो सुनिए जवाब क्या था। हरियाणा की सरकार मजबूत है, उस 5 साल के लिए सरकार चलेगी। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल मजबूत है। दिग्विजय, दुष्यंत की मुश्किल ये है कि जिन जाट वोटरों और उनकी खाप पंचायतों के दम पर इनकी पार्टी जेजेपी सत्ता में भागीदार बनी है, होने ही इन्हें खट्टर सरकार से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया है। जेजेपी को वोट देने वाले किसान दुष्यंत चौटाला की चुप्पी से भी नाराज है। दुष्यंत चौटाला अपनी जिम्मेवारी को, जो शपथ हरियाणा के राजभवन में वो लेकर के आए थे, किसानों के लिए, मजदूरों, गरीबों के लिए, हरियाणा के एक जन के लिए, जो ड्यूटी, जिस ड्यूटी पर वो काबिज हैं उसको निभा रहे हैं, और जो उम्मीद किसानों को है उसे 19वीं सवाई होकर निभा रहे हैं। वो निरंतर केंद्र की सरकार के मंत्रियों के टच में हैं। दुष्यंत चौटाला खुद को चौधरी देवीलाल का असली वारिस बताते हैं, जिन्होंने ताउम्र किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत के इसी दावे पर भरोसा कर जाटों ने बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत को वोट दिया। जेजेपी पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद 10 सीट जीतकर किंग मेकर बन गई, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो दुष्यंत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जाट इसको लेकर भी नाराज हैं। हरियाणा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है। 90 में से बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 विधायक सरकार के साथ हैं। 5 निर्दलीय भी इस वक्त सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अगर जेजेपी पर दबाव बढ़ता है और दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग होते हैं तो हरियाणा सरकार डोल जाएगी। जेजेपी के कई विधायक खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला खुद कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को MSP के बारे में लिख कर देना चाहिए। जेजेपी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात भी कह रही है। ये किसानों के अल्टीमेटम का ही असर है कि जेजेपी को न चाहते हुए भी किसानों के भारत बंद का समर्थन करना पड़ा है। पर्दे के पीछे से पार्टी सीएम खट्टर पर किसानों की मांगे मानने का दबाव भी बना रही है, लेकिन अगर जल्द कोई हल नहीं निकला तो जेजेपी को किसान या सरकार, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मेरे हिसाब से 10 के 10 विधायक किसान के घर में जन्मे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसान की बात की चिंता ना करें। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी खट्टर सरकार और खासकर जेजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल को ईमेल भेजकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी, जेजेपी हरियाणा में। नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए सेंटर से, और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। हमारा हरियाणा का किसान वो खुश है। कुछ ही किसान ऐसे हैं जो ऐसे इनकी, यानी एक प्रकार की आवाज मिलाकर, और कांग्रेस के, या ये कहना चाहिए कि कुछ स्वार्थी ऐसे लोग हैं जो इनको अपने पीछे लगा करके और यहाँ तक लाए हैं, वरना हरियाणा के किसान का बहुत ही हमने
एक प्रकार से जो उनकी सहायता की है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की हट कर रहे किसान अब हरियाणा की सरकार हिलाने की स्थिति में है। ऐसे में अगर जल्द किसान आंदोलन को खत्म करने का रास्ता नहीं निकला तो खट्टर की सरकार खतरे में पड़ सकती है।